स्टूडेंट वेलकम अगेन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 9.12 फ्रॉम द एलिमेंट्स बुक। इससे पहले हमने 9.11 एक्सरसाइज कंप्लीट की है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर क्या हम करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन एंड देयर यूजेज इन इंटीग्रेशन। पार्शियल फ्रैक्शन हमें गिवन होगी, उसका हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस साइड से 2a अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसको हम यहाँ पे किस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर लिखेंगे, 1 अपॉन ए माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन ए प्लस में एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे एफ एक्स अपॉन में जी एक्स हमें फंक्शन गिवन मिलेगा, तो अगर वहां पे डिग्री ऑफ एफ एक्स लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स मिल जाए, ठीक है, तो वहां पे रैशनल फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर रैशनल फंक्शन। When degree of f x is less than degree of g x, तो वहां पे वो proper rational fraction होगी। अगर वहां पे degree of f x greater than degree of g x होगी तो उसको हम बोलेंगे improper rational function। यहाँ पे two type के हमारे पास rational fraction होंगी, proper and improper। proper के अंदर क्या हो जाएगा, उसके degree f x के degree g x से क्या होती है, कम होती है। degree of f x less than degree of g x, एंड व्हेन डिग्री ऑफ एफ एक्स ग्रेटर देन डिग्री ऑफ जी एक्स इज कॉल्ड इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। अब हम अगर इस तरह से हमारे पास अलग अलग फॉर्म हमें रैशनल फंक्शन की गिवन है, तो हम उनको किस तरह से हम उसको पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर लिख सकते हैं। तो ये है फॉर्म ऑफ रैशनल फंक्शन और ये फॉर्म ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। फर्स्ट अगर इस टाइप की फॉर्म हमें गिवन है, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस में बी, तो इसको हम लिखेंगे a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस में b। सेकेंड फॉर्म में अगर पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर है, ठीक है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, नीचे स्क्वायर, x माइनस ए का होल स्क्वायर। थर्ड फॉर्म है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, नीचे है x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस ए, इसको लिखेंगे हम अलग अलग a बाई एक्स माइनस ए बी बाई एक्स माइनस बी सी बाई एक्स माइनस में सी। फोर्थ फॉर्म है पी एक्स स्क्वायर, ऊपर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें गिवन है पी एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस आर, नीचे है x माइनस ए का होल स्क्वायर x माइनस बी, इसको लिख देंगे a अपॉन एक्स माइनस ए, स्क्वायर वाले में क्या करते हैं फिर b अपॉन उसी का स्क्वायर कर देते हैं जैसे हमने यहाँ पे किया था, b अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। फिर थर्ड टर्म और है यहाँ पे x माइनस में b, तो प्लस में c अपॉन x माइनस में b। लास्ट फॉर्म है पी एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए, फिर क्वाड्रेटिक दे दी साथ में, ऊपर भी क्वाड्रेटिक नीचे भी क्वाड्रेटिक, तो इसमें क्या लिखेंगे a अपॉन x माइनस ए, नीचे अगर क्वाड्रेटिक है तो उसको लिखते हैं हम बी एक्स प्लस सी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में c। इसके दोबारा से फिर से फैक्टर फैक्टोराइज नहीं होगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एज इट इज रहेगा। तो अगर नीचे भी क्वाड्रेटिक है तो ऊपर हम बी एक्स प्लस सी अपॉन में नीचे वाला जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है वही लिख देंगे, ठीक है। तो ये कुछ हमारी इसकी फॉर्म थी रैशनल फंक्शन की, उसको हमें पार्शियल फ्रैक्शन में इस तरह से उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, देन उसका क्या करना है इंटीग्रेशन। इजी है, तो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 9.12। इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। फर्स्ट पार्ट है इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस में 2। तो नीचे देखो ये क्वाड्रेटिक है तो इसके फैक्टर हम कर सकते हैं ना, तो इसको हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे, I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 5 अपॉन, इसके फैक्टर करेंगे तो क्या आ गए माइनस 2x प्लस में x माइनस 2 इंटू में dx। I इक्वल टू 2x प्लस 5 अपॉन, यहाँ पे x कॉमन आ गया x माइनस में, यहाँ से 1 कॉमन आ गया x माइनस में 2 dx। 2x प्लस 5 अपॉन x माइनस 2 और x प्लस में 1, ये फैक्टर है। अब नीचे ये px प्लस 2 अपॉन x माइनस ए x माइनस बी वाली फॉर्म है, ठीक है, रैशनल फंक्शन की, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, a अपॉन x माइनस 2 प्लस b अपॉन x प्लस में 1, लीनियर फैक्टर है, तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे इस रैशनल फ्रैक्शन को 2x प्लस 5 अपॉन x माइनस 2 x प्लस में 1, a अपॉन x माइनस 2 प्लस b अपॉन x प्लस में 1। अब हम किस तरह से सोल्व करेंगे इसको, दोनों तरफ x माइनस 2 और x प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय
x माइनस टू और x प्लस है वन से, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा टू एक्स प्लस फाइव, इधर क्या रह गया a इंटू एक्स माइनस टू कैंसिल आउट, x प्लस वन बचेगा प्लस b इंटू में x प्लस वन है यहाँ पे x माइनस टू बचेगा। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे x प्लस वन है तो एक बार x को माइनस वन इसके अंदर पुट कर देंगे पूरी इक्वेशन के अंदर, a और b की वैल्यू निकालनी है हमें, देन उसका इंटीग्रेशन करेंगे। फिर एक बार हम x माइनस है टू इक्वल टू जीरो यानी कि x को टू पुट कर देंगे पूरी इक्वेशन के अंदर, पुट x इक्वल टू माइनस वन तो यहाँ पे कितना आ गया माइनस टू प्लस फाइव, ये तो जीरो बन गया, यहाँ पे माइनस वन पुट करेंगे तो माइनस थ्री बी बचेगा यानी कि थ्री इक्वल टू माइनस थ्री बी, बी की वैल्यू क्या आ गई माइनस वन। सिमिलरली पुट x इक्वल टू टू, टू यहाँ पे पुट करेंगे टू टू जा फोर प्लस में फाइव नाइन, यहाँ पे करेंगे तो थ्री है और ये तो जीरो ही बन गया तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ गई थ्री, a की वैल्यू थ्री, b की माइनस वन यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो इंटीग्रेशन था 2x प्लस फाइव अपॉन x माइनस टू एक्स प्लस वन, ये था a की वैल्यू, a क्या आया है हमारा थ्री आया, थ्री अपॉन x माइनस टू इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, प्लस में b, b की वैल्यू माइनस वन है तो यहाँ पे माइनस ही लगा देते हैं, माइनस वन अपॉन में x प्लस है वन इंटू में dx, इंटीग्रेशन करेंगे थ्री बार आ गया, वन अपॉन x माइनस टू का log x माइनस टू माइनस लोग एक्स प्लस वन और प्लस में क्या कर देंगे सी, ये फाइनल क्या आ गया हमारा इंटीग्रेशन थ्री लोग एक्स माइनस टू माइनस लोग एक्स प्लस वन प्लस में सी, बिल्कुल इजी है ये। एक बार फिर से देखो हमें क्या करना है, टू एक्स प्लस फाइव अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस टू, नीचे इसके फैक्टर कर सकते हैं हम, फैक्टर क्या आ गए यहाँ पे एक्स माइनस टू एक्स प्लस में वन, फिर इसको हमें किस तरह से लिखना है, ये लीनियर फैक्टर है, a अपॉन x माइनस ए वाली फैक्टर, b अपॉन x माइनस बी वाला फैक्टर, फिर हमें दोनों साइड्स इस वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे रह गया 2x प्लस फाइव ए इंटू एक्स प्लस वन बी इंटू एक्स माइनस टू। फिर यहाँ पे क्या करेंगे x प्लस वन इक्वल टू जीरो तो एक बार x को माइनस वन पुट करेंगे पूरी इक्वेशन के अंदर, एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, दूसरी वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए दूसरे वेरिएबल को इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, मीन्स एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू टू पुट किया पूरी इक्वेशन के अंदर, a की वैल्यू थ्री आ गई, a और b की वापस उठा के यहाँ पे पुट कर दी और हमने क्या कर दिया इसका इंटीग्रेशन कर दिया, आंसर इज थ्री लोग x माइनस टू माइनस लोग x प्लस में वन प्लस सी। सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं हमें, सेकेंड पार्ट करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस फोर एक्स माइनस में फाइव है, ठीक है तो इसके फैक्टर करेंगे क्या क्या बनेंगे यहाँ पे फाइव एक्स माइनस एक्स इसके फैक्टर, तो यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं आई इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस फाइव एक्स माइनस फाइव इंटू में डी एक्स, आई इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन इसके फैक्टर करेंगे एक्स प्लस फाइव माइनस वन बाहर निकाला एक्स प्लस में फाइव इंटू में डी एक्स, आई इक्वल टू एक्स प्लस वन नीचे एक्स प्लस फाइव बाहर आ गया एक्स माइनस में वन, अब इसको हम लिख देंगे x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस फाइव इंटू एक्स माइनस वन, कैसे लिखेंगे a अपॉन x प्लस फाइव प्लस b अपॉन x माइनस में वन, a अपॉन x प्लस फाइव b अपॉन x माइनस में वन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय दिस फैक्टर x प्लस फाइव इंटू एक्स माइनस वन, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा x प्लस वन a इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस में वन प्लस b इंटू एक्स प्लस फाइव। अब हमें क्या पुट करना है, एक बार x को 1 पुट करें तो यहाँ पे क्या आ गया 2 इक्वल टू ये तो 0 बन गया, 1 पुट किया तो ये 6b, b की वैल्यू क्या आ गई 1 बाई थ्री। अब हमें x को माइनस फाइव पुट करना है यहाँ पे तो माइनस फाइव प्लस वन माइनस फोर, माइनस फाइव यहाँ पे पुट करेंगे तो माइनस है माइनस सिक्स है ये तो 0 बन गया, यहां से ये कैंसिल आउट हो गया, a की वैल्यू क्या आ गई 2 बाई थ्री, ए की वैल्यू क्या आ गई 2 बाई थ्री उठा के यहाँ पे पुट कर देते हैं, इसका इंटीग्रेशन था x प्लस वन अपॉन x प्लस फाइव इंटू एक्स माइनस वन, ए अपॉन x प्लस फाइव ए की वैल्यू क्या है 2 बाई थ्री बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस फाइव डी एक्स, फिर प्लस में भी b की वैल्यू 1 बाई थ्री बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x माइनस वन इंटू डी एक्स, आगे तो बिल्कुल इजी है लोग बन जाता है इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन x प्लस फाइव का 2 बाई थ्री लोग x प्लस में 5 प्लस 1 बाई थ्री लोग x माइनस में 1 प्लस में
से. इट इज द फाइनल इंटीग्रेशन ऑफ द गिवन इंटीग्रल. ठीक है, तो सिंपली वैसे ही किया है. सबसे पहले हमें इसके फैक्टर करने होते हैं जो क्वाड्रेटिक नीचे दे रखा है. टू फैक्टर बन गए, वो लीनियर फैक्टर है. किस तरह से लिखते हैं, ए अपोन प्लस बी अपोन, दोनों तरफ उससे मल्टीप्लाई करके. फिर हमें दोनों वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है. एक बार एक वेरिएबल को इक्वल टू जीरो पूरी इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, एक बार दूसरे वेरिएबल को इक्वल टू जीरो पूरी इक्वेशन में पुट करेंगे. ए और बी की वैल्यू निकाल के वहां पे इंटीग्रल में हम पुट करेंगे, देन उसका इंटीग्रेशन. नेक्स्ट करते हैं थर्ड पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 2 अपॉन x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस में 3 फैक्टर है. तो यहाँ पे हम इसको कैसे लिखेंगे, ये पहले ही फैक्टर बने हुए हैं, 3x प्लस 2 अपॉन x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 a अपॉन x प्लस 2 प्लस b अपॉन x प्लस में 3. सारे के सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, बिल्कुल इजी. अब इस फैक्टर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3x लिखना है आपको, मैं हर क्वेश्चन में नहीं लिख रही. मल्टीप्लाइंग दिस फैक्टर x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 बोथ साइड, 3x प्लस 2 बचेगा यहाँ पे, a इंटू एक्स प्लस 3 b इंटू एक्स प्लस 2. अब हमें क्या पुट करना है, x इक्वल टू माइनस 3, माइनस 3 यहाँ पे पुट करेंगे, माइनस 9 प्लस 2 माइनस 7, ये तो जीरो बन गया. माइनस 3 करेंगे तो यहाँ पे माइनस बी बचेगा, माइनस 3 प्लस में 2, यहाँ पे b की वैल्यू क्या आ गई 7. अब हमें क्या पुट करना है, पुट x इक्वल टू माइनस 2, माइनस 2 यहाँ पे माइनस 6 प्लस 2 माइनस 4, माइनस 2 प्लस में 3 यहाँ पे 1 ही बचेगा, माइनस 2 प्लस 3 a, ये तो जीरो बन गया. a की वैल्यू माइनस 4, यहाँ पे पुट कर देते हैं हम इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 2 अपॉन x प्लस 2 x प्लस में 3. a की वैल्यू क्या है, माइनस 4 है, माइनस 4 इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 dx. b की वैल्यू 7 है, 1 अपॉन x प्लस 3 इंटू में dx. इंटीग्रेशन आ गया माइनस 4 लोग x प्लस 2 प्लस 7 लोग x प्लस में 3, और लास्ट में हम क्या करते हैं, प्लस में c. 7 लोग x प्लस 3, इसको आगे लिख सकते हैं माइनस 4 लोग x प्लस में 2 प्लस में c. नेक्स्ट करते हैं फोर्थ वाला, इसमें भी हमें लीनियर फैक्टर नीचे गिवन, तो डायरेक्ट लिख देते हैं x अपॉन x प्लस 2 3 माइनस में 2x, a अपॉन x प्लस 2 प्लस b अपॉन 3 माइनस में 2x. मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ इस वाले फैक्टर से, तो यहाँ पे x बचेगा a इंटू 3 माइनस 2x प्लस b इंटू x प्लस 2. एक बार हमें x को क्या पुट करना पड़ेगा, यहाँ पे पुट x इक्वल टू 3 बाई 2 ना, इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे 3 बाई 2 इक्वल टू, ये तो जीरो बन गया. यहाँ पे पुट करेंगे b इंटू 3 बाई 2 प्लस में 2, ये कितना आ गया, 7 b बाई 2 इक्वल टू 3 बाई 2, ये कैंसिल आउट, b की वैल्यू आ गई यहाँ पे 3 बाई 7. सिमिलरली x को हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, माइनस 2, इधर तो माइनस 2, इसके अंदर पुट करेंगे माइनस 2 टू जा 4, 7 a बन जाएगा, ये जीरो, a की वैल्यू आ गई माइनस 2 बाई 7. बस हमें डायरेक्ट उठा के यहाँ पे पुट करनी है, इंटीग्रेशन आ गया इसका, x अपॉन x प्लस 2 3 माइनस में 2x, a की वैल्यू माइनस 2 बाई 7 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x प्लस 2, b की वैल्यू क्या है 3 बाई 7 1 अपॉन 3 माइनस में 2x dx. माइनस 2 बाई 7 लोग x प्लस 2 प्लस 3 बाई 7 लोग 3 माइनस में 2x. ठीक है, लेकिन इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो x का कोफिशियंट माइनस 2 है, इससे हम डिवाइड भी तो करते हैं ना, माइनस 2 प्लस में c. नीचे इसे हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड. तो ये आ गया माइनस 2 बाई 7 लोग x प्लस 2 माइनस 3 बाई 14 लोग 3 माइनस में, इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम आगे, माइनस 2 बाई 7 लोग x प्लस 2 माइनस 3 बाई 14 ना लोग 3 माइनस में 2x प्लस में सी. इजी था बिल्कुल. हमें ये भी देखना होता है कि अगर x का कोई भी कोफिशियंट है तो इंटीग्रेशन में उससे डिवाइड भी करते हैं. नेक्स्ट करते हैं फिफ्थ पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 x माइनस में 2 फैक्टर है, तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 x माइनस में 2, a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2,
मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस में टू, तो यहाँ पे रह गया एक्स माइनस वन ए इंटू एक्स माइनस टू प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन। अब हम पुट कर देते हैं, ए पुट एक्स इक्वल टू टू, टू माइनस वन वन, यहाँ पे टू पुट करेंगे तो थ्री बी, बी की वैल्यू आ गई वन बाई थ्री। सिमिलरली पुट एक्स इक्वल टू माइनस वन, माइनस वन माइनस वन माइनस टू, माइनस वन पुट करेंगे तो माइनस थ्री, ये तो जीरो बन गया, ए की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे टू बाई थ्री। इंटीग्रेशन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन एक्स माइनस में टू, ए की वैल्यू है यहाँ पे टू बाई थ्री इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स प्लस वन डी एक्स, बी की वैल्यू है वन बाई थ्री इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स माइनस में टू इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया टू बाई थ्री लोग एक्स प्लस में वन प्लस वन बाई थ्री लोग एक्स माइनस में टू प्लस में सिक्स। नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट, 2x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू एक्स माइनस थ्री है, थ्री लीनियर फैक्टर है तो ऐसे लिख देंगे हम a अपॉन प्लस b अपॉन प्लस c अपॉन, 2x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू और ये क्या है x माइनस थ्री, a अपॉन एक्स माइनस वन प्लस b अपॉन एक्स प्लस टू c अपॉन एक्स माइनस में थ्री। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू और एक्स माइनस थ्री, इधर लेफ्ट हैंड साइड में क्या रह गया टू एक्स माइनस वन ए इंटू यहाँ पे एक्स प्लस टू एक्स माइनस में थ्री प्लस बी इंटू में एक्स प्लस टू फैक्टर है तो कौन से रह गए एक्स माइनस वन एक्स माइनस में थ्री प्लस सी इंटू में एक्स माइनस थ्री कैंसिल आउट हो गया एक्स माइनस वन और क्या बच गया यहाँ पे x प्लस में। अब ऐसे ही हमें x की थ्री वैल्यू यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी और तीनों वेरिएबल a b c की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। पुट x इक्वल टू, एक बार तो हम क्या पुट कर देते हैं x इक्वल टू वन पुट करेंगे स्टार्टिंग में, तो यहाँ पे क्या आ गया टू माइनस में वन वन बच गया, यहाँ पे वन पुट करेंगे हम वन प्लस में टू थ्री, वन माइनस थ्री माइनस टू, वन पुट करने पे ये वाली टर्म हमारी जीरो होगी और ये वाले टर्म भी क्या हो गए हमारे जीरो, x x इक्वल टू वन पुट करेंगे यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये फैक्टर बन गया हमारा माइनस सिक्स से इक्वल टू वन, ए की वैल्यू क्या आ गई माइनस वन बाई सिक्स। सिमिलरली x इक्वल टू माइनस टू पुट करेंगे, माइनस टू यहाँ पे पुट किया माइनस फोर माइनस वन माइनस फाइव, ये तो जीरो बन गया फैक्टर, यहाँ पे माइनस टू पुट करेंगे हम b इंटू माइनस थ्री माइनस का फाइव, यहाँ पे माइनस टू पुट करेंगे ये भी जीरो, तो यहाँ से क्या आ गया माइनस फाइव इक्वल टू फिफ्टीन डी, बी की वैल्यू आ गई माइनस फिफ्टीन बाई सॉरी माइनस फाइव बाई फिफ्टीन माइनस वन बाई थ्री। सिमिलरली एक्स इक्वल टू थ्री पुट करेंगे हम सिक्स माइनस वन फाइव, ये भी जीरो हो गया फैक्टर एक्स इक्वल टू थ्री पुट करने पे, ये भी यहाँ पे सी वाली वैल्यू बचती है थ्री माइनस वन टू, थ्री प्लस टू फाइव यानी कि 5 इक्वल टू टेन सी, सी की वैल्यू आ गई 1 बाई टू। ए बी सी तीनों वेरिएबल आ गए, अब हमें क्या करना है इसका इंटीग्रेशन, 2x माइनस वन अपॉन x माइनस वन एक्स प्लस टू एक्स माइनस थ्री, ए की वैल्यू क्या आई है माइनस वन बाई सिक्स आई है 1 अपॉन x माइनस वन इंटू डी एक्स, बी की वैल्यू क्या आई है माइनस वन बाई थ्री 1 अपॉन x प्लस टू डी एक्स, सी की वैल्यू वन बाई टू वन अपॉन एक्स माइनस थ्री इंटू में डी एक्स, माइनस वन बाई सिक्स लोग एक्स माइनस वन माइनस वन बाई थ्री लोग एक्स प्लस टू वन बाई टू लोग एक्स माइनस में थ्री और प्लस में क्या है सी। देखो ये लेंथ ही था क्योंकि यहाँ पे थ्री वेरिएबल, एक बार हम देख लेते हैं इसको, माइनस वन बाई सिक्स लोग एक्स माइनस वन माइनस वन बाई थ्री लोग एक्स प्लस टू प्लस वन बाई टू लोग एक्स माइनस में थ्री प्लस में सिक्स। नेक्स्ट करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन, इवेलुएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स,
फर्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री और एक्स माइनस में फोर, तीनों लीनियर फैक्टर है डिनोमिनेटर के अंदर। वैसे ही करेंगे हम, इसको इक्वल टू ए अपॉन एक्स माइनस टू प्लस बी अपॉन एक्स माइनस थ्री सी अपॉन एक्स माइनस में फोर। एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स माइनस में टू, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस टू प्लस बी अपॉन एक्स माइनस थ्री सी अपॉन एक्स माइनस फोर, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय दिस फैक्टर एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर। लेफ्ट हैंड साइड में रह गया एक्स स्क्वायर प्लस वन ए इंटू बी, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर प्लस बी इंटू में एक्स माइनस टू, एक्स माइनस फोर प्लस सी इंटू में एक्स माइनस टू, एक्स माइनस में। अब हम x को एक बार 2 पुट करते हैं, यहाँ पे 5 आ गया, 2 यहाँ पे पुट करेंगे माइनस वन माइनस टू, ये जीरो ये जीरो, यानी कि यहाँ पे कितना आ गया 5 इक्वल टू टू ए, ए की वैल्यू आ गई यहाँ पे 5 बाई टू। पुट x इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस वन 10, ये जीरो हो गई 3 पुट करने में, b इंटू 3 माइनस टू 1, 3 माइनस फोर माइनस वन, बी की वैल्यू आ गई माइनस 10। एक्स को 4 पुट कर देते हैं, ये 17 हो गया इधर, ये जीरो बन गया, ये जीरो, सी की वैल्यू आ गई 4 माइनस टू 2, 4 माइनस 3 ये 1, यानी कि सी की वैल्यू आ गई 17 बाई 2। इंटीग्रेशन करेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस में 4 dx। ये a अपॉन था, a की वैल्यू है 5 बाई टू, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स माइनस टू dx, b की वैल्यू है माइनस 10, 1 अपॉन एक्स माइनस थ्री dx, c की वैल्यू है 17 बाई टू, 1 अपॉन एक्स माइनस में 4 dx। इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे 5 बाई टू log x माइनस में 2, माइनस 10 यहाँ पे इसका क्या आ गया log x माइनस में 3 प्लस 17 बाई टू log x माइनस में 4 प्लस में c, ठीक है। 5 बाई टू log x माइनस टू माइनस 10 log x माइनस थ्री प्लस 17 बाई टू log x माइनस में 4 प्लस में c। सेकेंड पार्ट करते हैं इसी का, इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इंटू 2x प्लस में 3। तो यहाँ पे देखो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर माइनस वन के फैक्टर हम कर सकते हैं ना लीनियर फैक्टर के अंदर, एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस में 1, 2x माइनस में 3 अपॉन एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन, और थर्ड फैक्टर है 2x प्लस 3। लिख दिया a अपॉन एक्स माइनस वन, बी अपॉन एक्स प्लस वन, सी अपॉन 2x प्लस में 3। एक बार हम x को 1 पुट कर लेते हैं, सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके अंदर, ये आ गया 2x माइनस 3 इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस वन 2x प्लस 3 प्लस बी इंटू एक्स माइनस वन 2x प्लस 3 सी इंटू में एक्स माइनस वन एक्स प्लस में 1। अब हम एक एक करके इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, पुट x इक्वल टू 1, 1 यहाँ पे पुट किया माइनस 1, 1 पुट करने पे a इंटू में 2, ये 5 आ गया, a की वैल्यू आ गई माइनस 1 बाई 10, ठीक है। पुट x इक्वल टू माइनस 1 पुट कर देते हैं, माइनस 1 यहाँ पे करें माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5, ये तो 0 बन गया, माइनस 1 यहाँ पे पुट करेंगे माइनस 2, माइनस 2 प्लस में 3 1, यानी कि b की वैल्यू आ गई यहाँ पे हमारे पास है 5 बाई 2। पुट x इक्वल टू माइनस 3 बाई 2, माइनस 3 बाई 2 पुट करते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, ये बन गया माइनस 6 इक्वल टू, ए भी 0 हो जाएगा और b भी 0, c की वैल्यू आएगी यहाँ से माइनस 3 बाई 2 माइनस 1 माइनस 3 बाई 2 प्लस में 1, यानी कि माइनस 6 इक्वल टू माइनस 5 बाई 2 सी, माइनस 5 बाई 2, और ये क्या हो जाएगा माइनस 1 बाई 2, यानी कि ये बन गया 5 बाई 4 सी इक्वल टू, ये c की वैल्यू आ गई माइनस 6 इंटू 4 बाई 5 ना, माइनस 24 बाई 5, ठीक है।
उठा के यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 2x-3 अपॉन x-1 x+1 इंटू में 2x+3। ए की वैल्यू क्या आई है? -1/10 ना, -1/10 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x-1 इंटू dx। बी की वैल्यू 5/2 1/x+1 dx। सी की वैल्यू -24/5 1/2x+3 इंटू में dx। -1/10 लोग x-1 +5/2 लोग x+1, ठीक है। सी के अंदर -24/5 लोग 2x+3, 2 से डिवाइड भी करेंगे ना प्लस में सी, क्योंकि x का कोफिशियंट है। ये नीचे ऊपर इसे कैंसिल आउट हो जाएगा, -12/5 बचेगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया यहाँ पे, -1/10 लोग x-1 +5/2 लोग x+1 -12/5 लोग 2x+3 प्लस में सी। नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसी का, थर्ड, इंटीग्रेशन ऑफ x² + 1 अपॉन x² - 5x+6 dx। नीचे क्वाड्रेटिक है, ठीक है, और हमने ये भी देखा कि ऊपर भी x² है, नीचे भी x² है, यानी कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। सो वी डिवाइड द न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर। उस केस में हम क्या करेंगे, अगर दोनों के डिग्री हमारी सेम होती है तो उस केस में हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने पे 1 पे जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 5x-5 अपॉन x² - 5x+6। 1 को अलग कर देते हैं, इस वाले टर्म को अलग कर देते हैं, इसको i1 कह दिया, i1 हमारा ये है। अब हमने इसके नीचे फैक्टर किए x² - 5x+6 के x-2 x-3। अब ये वैसा ही बन गया जैसे हमने पहले किया है, तो इसको इक्वल टू a/(x-2) + b/(x-3) दोनों तरफ x-2 x-3 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे a(x-3) + b(x-2), एक बार x को 2 पुट किया, a की वैल्यू -5 आ गई, एक बार x को 3 पुट किया, b की वैल्यू 10 आ गई, ठीक है, ये इंटीग्रेशन बन गया। यहाँ पे i क्या था हमारा, x भी था ना इसके साथ में, प्लस में i1 की तो ये वैल्यू आई है और x स्टार्टिंग में था। सो इंटीग्रेशन आ गया i का x-5 लोग x-2 + 10 लोग x-3 + c, ठीक है। फिर है फोर्थ पार्ट, x³ - x-2 / 1 - x². यहाँ से मैंने x कॉमन निकाला, x² - 1 -2 / 1 - x² अलग से लिख दिया। यहाँ पे इसको करेंगे तो ये कैंसिल आउट, माइनस एक्स बचेगा ना, यहाँ पे माइनस बचेगा यहाँ पे, और आगे x था, -x - इसके फैक्टर कर दिए 1 पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर 1/(1 - x), क्योंकि इसके फैक्टर 1 - x 1 + x, 1/(1 - x) + 1/(1 + x) अलग अलग कर दिया, -x - 1/(1 - x), माइनस को अंदर लेके गए, -1/(1 + x dx, अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे तो -x dx, -1/(1 - x dx), -1/(1 + x dx, -x² / 2 +log(1 - x), प्लस क्यों आया, क्योंकि log(1 - x), फिर x का कोफिशिएंट माइनस होता, पहले ही माइनस था, माइनस से डिवाइड करते तो यहाँ पे -(-), -log(1 + x + c। सो इंटीग्रेशन इज -x² / 2 +log(1 - x) + x, डिवाइड के अंदर प्लस में सी। नेक्स्ट पार्ट करते हैं फिफ्थ, इंटीग्रेशन ऑफ x² + 8x + 4 अपॉन x³ - 4x। तो नीचे से देखो हम इसके फैक्टर कर सकते हैं, ऊपर है x² + 8x + 4, नीचे x कॉमन लिया, अंदर क्या रह गया x² - 4, x² - 4 के 2 फैक्टर x-2 और x+2। अब इसको लिख दिया a/(x + b/(x-2) c/(x+2), मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय x(x-2) x+2। ऊपर ये वाले टर्म रहेगी, यहाँ पे a(x-2) x+2) + b(x+2) c(x-2). एक बार x को 0 पुट करेंगे पूरी के अंदर, a की वैल्यू -1 आ गई, x = 2 पुट किया, b की वैल्यू 3 आ गई, x = -2 पुट किया, c की वैल्यू -1, यहाँ पे पुट किया तो इंटीग्रेशन ऑफ -1/(x dx) + b की वैल्यू 3/(x-2 dx) c की -1/(x+2 dx). सो इंटीग्रेशन इज -log(x) + 3log(x-2) - log(x+2) + c। लास्ट पार्ट करते हैं इसका, x² / 1 + x² + (2 + x).
तो हमने देखा कि ऊपर एक्स स्क्वायर है, अगर हम एक्स क्यूब को टी पुट कर देते हैं तो ऊपर इसका डेरिवेटिव है, एक्स क्यूब को टी पुट किया, थ्री एक्स स्क्वायर डीएक्स डीटी, हमें तो एक्स स्क्वायर डीएक्स चाहिए, डीटी बाई थ्री, वन बाई थ्री बाहर आ गया, वन अपॉन में ये वन प्लस टी टू प्लस टी। अब इजिली इसको सोल्व कर सकते हैं, ए अपॉन वन प्लस टी प्लस बी अपॉन, ये बी की वैल्यू बी अपॉन टू प्लस में टी मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई ये, तो यहाँ पे वन रह गया, ए इंटू टू प्लस टी, बी इंटू वन प्लस टी, टी की वैल्यू एक बार माइनस वन पुट की, ए की वैल्यू वन, टी की वैल्यू माइनस टू पुट की, बी की वैल्यू माइनस वन, सो वन बाई थ्री तो बाहर था इसके अंदर, ठीक है, और ए बाई यानी कि वन अपॉन वन प्लस टी डी टी, और बी की वैल्यू क्या आई माइनस वन, माइनस वन अपॉन टू प्लस टी डी टी, वन बाई थ्री बार था, इसका इंटीग्रेशन लोग वन प्लस टी माइनस लोग टू प्लस टी प्लस में सी, लोग ए माइनस लोग एम माइनस लोग एन, लोग एम बाई एन लिख सकते हैं, वन बाई थ्री लोग वन प्लस टी अपॉन टू प्लस टी प्लस, लास्ट में टी की जगह पे एक्स क्यूब पुट कर देंगे, सो इंटीग्रेशन आ गया वन बाई थ्री लोग वन प्लस एक्स क्यूब अपॉन टू प्लस एक्स क्यूब प्लस में सी। ओके स्टूडेंट, इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप आपको ये टू क्वेश्चंस पार्शियल फ्रैक्शन के क्लियर होंगे, सारे के सारे एक जैसे ही क्वेश्चंस हैं, हमें उनको पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करके उसका इंटीग्रेशन करना है, इजी है। अगर फिर भी आपको कहीं डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स एवरीवन।